हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे हुई है सुबह और मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। एज यूजुअल अपना फ्रेशन अप होने के बाद नीचे आके अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद अब टाइम हो चला है मेरा मी टाइम थोड़ा सा इंजॉय करने का। मी टाइम के लिए चुपचाप बैठी हुई थी और ऐसे ही सोच रही थी। एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, कोई जगह पे जाना था मुझे इमरजेंसी में, अर्जेंटली मुझे एक जगह पे जाना था। और तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मैं कैमरा नहीं उठा सकती थी और जब तक मैं आई थी तो बहुत लेट हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा। और फिर मेरे को वापस से जाना पड़ा शाम को। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था, बच्चों को फटाफट से हम लोगों ने हार्ड एंड फास्ट में पिक करा था। पहले बच्चों के डैडी और मैं गए थे, पहले अमर और मैं गए थे सुबह के टाइम पे। फिर वहाँ से आते वक्त थोड़ा सा लेट हुआ था तो मैंने बच्चों को हाथों हाथ पिक कर लिया था। उसके बाद शाम को मुझे जाना था। बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और आज हुई है नॉर्मल सुबह और बस अभी उठे ही हैं। तो एक्चुअली मैं ही उठी हूँ और मैं उठने के बाद अपना गर्म पानी पी रही हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो एक फ्रेशन अप लगता है। और दिन भर की क्या स्ट्रैटेजी रहती है वही बनाने की कोशिश कर रही थी कि आज दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। आज भी मुझे बाहर जाना है, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना हुआ तो शाम को मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी या कैसे जाऊँगी, यही सोच रही थी बैठे बैठे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो ही जाऊँगी, अगर ज़रूरी नहीं हुआ तो नहीं जाऊँगी। और ऐसा लगा कि जा सकते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाएगा और मैनेज हो जाएगा तो चली जाऊंगी। सो फिलहाल अभी घर में सब सो रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है राइट नाउ 6:35 हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। तो एग्जैक्टली अभी 6:30 हो रहा है और घर में सब सो रहे हैं। तो 15-20 मिनट और सोएंगे, उसके बाद बच्चों के डैडी उठेंगे, फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद मुझे बच्चों को उठाना है और फिर चाय बनाने की तैयारी करूँगी। सो बस अभी सुबह हुई है, बैठी हुई थी और दिन भर की क्या स्ट्रैटेजी है उस बारे में बना रही थी, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग कर रही थी और यही सोच रही थी कि काफ़ी सारे काम लाइन अप है। उसके बाद कल यहाँ पे बर्फ़ आने वाली है, वार्निंग आई हुई है कि यहाँ पे कल बर्फ़ आने वाली है, तो उसकी भी एक छोटी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर स्नो सॉल्ट वगैरह सब करना पड़ेगा। और साथ में अगर मुझे कोई ग्रॉसरी ख़त्म हो रही होगी, वैसे तो मैं अभी करके आई थी ग्रॉसरी, लेकिन फिर भी अगर ख़त्म हो रही होगी एक दो, जैसे ब्रेड या दूध कुछ भी ख़त्म हो रहा होगा या स्टॉक में नहीं होगा तो मैं ला के रख लूँगी और आप लोग मेरे साथ चलिएगा। सो ऑलराइटी, एंड और ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट करूँ आगे बढ़े उससे पहले मैं थैंक यू सो मच जो जो नए लोग हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। ये छोटी सी फैमिली ही है, छोटी सी कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्डअप करी है जिसमें हम सब इक्वल हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे और आगे भी हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा कनेक्शन बना सकें। सो ऑलराइटी, अभी थोड़ी देर में बच्चे उठेंगे और फिर दूसरे कामों में लग जाऊँगी मैं। सो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले आप लोगों को थैंक यू बोल दूँ। और हाँ, थैंक यू करने के लिए, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए या किसी को कोई चीज़ की विशिंग करने के लिए कभी भी टाइम नहीं देखना चाहिए, भले से लेट हो जाए, पर गुड विशेस आर नेवर टू बी लेट। सो ऑलराइटी, थैंक यू। सो उसी के साथ मैं गर्म पानी पीती हूँ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा।
अभी बच्चों को तैयार करके नीचे उतरी हूँ, चाय बना रही हूँ और साथ में बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ। बच्चों को फ्रेश कर दिया और अच्छे से कपड़े पहना के, क्योंकि कल बर्फ है तो बच्चों को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। और टाइम अभी मैं बता दूं आपको, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7:38। बहुत जल्दी जल्दी टाइम चढ़ रहा है ऊपर। प्रिशा की चोटी भी बना दी आज मैंने पहले, इसीलिए, नहीं तो लेट हो जाता है। और प्रिशा ना बहुत धीरे धीरे दूध पीती है आजकल, कभी जल्दी पीती है कभी धीरे धीरे पीती है। और मैंने साथ में आके नीचे मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि रात को क्या मशीन लगाना ही दिमाग से निकल गया था मेरे। मशीन अपलोड तो कर दी थी लेकिन बटन दबाना रह गया, तो मैंने सोचा अभी धोने के लिए लगा देती हूँ फटाफट से, वो भी साथ के साथ धुल जाएगी। और जब तक मैं नहाना वगैरह सब करूँगी तब तक वो सूख जाएगी, उसके बाद बर्तन जमा दूंगी। तो चलिए यहाँ पे अभी चाय बना लेती हूँ और बच्चों का दूध रेडी करती हूँ। आदि यहाँ पे दूध पी रहा है, राइट आदि? देविका, प्रिशा यहाँ पे दूध पी रही है, राइट प्रिशा? देविका, बच्चों को दूध दे दिया है और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी रेडी है। और ये जो गर्मा गर्म चाय है ना, मैं जब कटोरे में छानती हूँ ना, तो ये जो गर्मा गर्म भाप आती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। देविका आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। Alrighty, आज प्रिशा बैठी है डैडी के साथ आ गए, right daddy, daddy look it over here, say hi, hi, say hi Prisha, there we go, Prisha is going with daddy, there we go, there are actually squirrels in that zoo. Oh yeah. Alrighty, अभी हम लोग जा रहे हैं आदि को ड्रॉप करने के लिए, राइट आदि? आदि स्कूल जा रहा है, प्रिशा गई है स्कूल। राइट नाउ बाहर का टेम्परेचर मैं आपको बता दूँ, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 32 degrees Fahrenheit, बहुत ठंडा है। हवा ज़्यादा नहीं चल रही है लेकिन ठंडा बहुत है। हमने सब कुछ पहन रखा है, हैंड ग्लव्स वगैरह, हैंड ग्लव्स, हैट, कोट, राइट आदि? There we go. आदि पीछे पीछे चल रहा है धीरे धीरे, लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। Alrighty. आदि को छोड़ दिया स्कूल में, प्रिशा गई है स्कूल, दोनों बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं जा रही हूँ घर। आदि को छोड़ने के बहाने, प्रिशा को छोड़ने के बहाने एक वॉक ही हो जाता है छोटा सा, वॉक एक ऐसी चीज है जो करना ही चाहिए। अपनी गली के चक्कर ही लगा लिए या छत पे घूम लिए, कुछ भी कर लिया पर हल्का सा वॉक। और पीछे यहाँ पे सूर्य देवता भी निकलने ही वाले, वैसे तो निकल चुके हैं पर यू नो लुका छुपी खेल रहे हैं, बार बार बादलों के पीछे छुपते हैं, बादलों में से बाहर आते हैं। और ये वही वाला प्लेग्राउंड है जो हमारे घर के पास है। फिलहाल अभी घर जा रही हूँ, घर जाके घर के रूटीन्स करती हूँ। I don't know कैमरे में कैसी दिख रही है स्पीड, बहुत ही फास्ट चल रही हूँ, सांस आपने लग गई है चलते चलते। और ठंडा तो है ही सही, कल यहाँ पे बर्फ गिरने वाली है, परसों बच्चों की छुट्टी है, फ्राइडे को बच्चों की छुट्टी है,
बस ऐसे ही है। बच्चों की छुट्टी इसलिए है क्योंकि यू नो वो स्कूल में टीचर्स लोगों की मीटिंग है, उन्हें नेक्स्ट वीक की तैयारी करनी है, नेक्स्ट वीक बच्चों की कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाली है, मीटिंग्स वगैरह कि बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है अभी तक। सेकंड मार्किंग पीरियड होता है। मुझे याद है हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में भी होता था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती थी, मम्मी पापा पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी। वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है, सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि शायद एक दो हफ्ते का या सीजन वाइज इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम होता है, इन लोगों का सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। सो ऑलराइटी, जा रही हूँ घर, सांस आ गई है, घर जाके कैचअप करती हूँ। चलिए, मेरा नहाना हो गया है, फ्रेश हो गई हूँ, अब जाती हूँ उधर रूम साफ़ कर देती हूँ फटाफट से, कुछ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है एक्चुअली। सो ये यहाँ का बेड भी ठीक कर देती हूँ। ऑलराइटी गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल एरिया में, मुझे थोड़ा सा बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे काम है। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली ना मेरे पास पहले से एक गिफ्ट कार्ड पड़ा है, उस गिफ्ट कार्ड को मुझे यूज करना है। गिफ्ट कार्ड ना एक्चुअली लास्ट ईयर का है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा, मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ बाथ एंड बॉडी वर्क्स, लेकिन इस बार क्या थोड़ा मौका लगा है और बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे सेल चल रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी चली जाती हूँ। वही जो मैं बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट वाला एपिसोड, जब मैंने कोशिश करी थी कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे जो सेल हो तो मैं विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, अगर वहां पे सेल होती है तो मैं खरीद लेती हूँ। लेकिन बहुत दिन से सेल नहीं लगी हुई थी, हर बार ही कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन मेरी पसंद की कोई चीज नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार मिल रही है। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है तो फटाफट से बाथ एंड बॉडी वर्क्स चली जाती हूँ। तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स जा रही हूँ, थोड़ा सा मॉल एरिया में विंडो शॉपिंग करूंगी अगर मौका लगा तो और
बच्चों को बच्चों के डैडी पिक कर लेंगे, उन्होंने मुझे बोला कि वो पिक कर लेंगे। और ये जो सेल है ना वो सिर्फ आज ही है और दूसरी कल तक रहेगी, तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि मैं फटाफट से जाके करके आ जाती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और कल क्या थोड़ी स्नो और बारिश भी होने वाली है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो मैंने सोचा कि कल अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आज ही चली जाती हूँ क्योंकि कल आखिरी दिन है और कल वैसे भी जा नहीं पाऊंगी, तो आज ही जाके काम निपटा के आ जाती हूँ। तो ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भी काम निपट जाएगा। और मुझे मैंने सोचा तो है कि मैं थोड़ा इंडियन ग्रोसरी चली जाऊंगी, वहां से कुछ ज्यादा कुछ नहीं लेना है। एक्चुअली बच्चों को बहुत पसंद है गाठिया, जो गाठियां आती है ना गाठिया का पैकेट, वो बच्चों को बहुत पसंद है, फाफड़ा एंड गाठिया वो बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए वो एक पैकेट उठा के ले आऊंगी। सो ऑलराइटी फटाफट निकली हूँ, बच्चों के डैडी बच्चों को पिक कर लेंगे और मैं निकल गई हूँ यहाँ पे। सो ऑलराइटी तो चलिए चलते हैं साथ में थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं बाथ एंड बॉडी वर्क से। ऑलराइटी ऑलराइटी गाइज, मैं आ गई थी घर, बच्चों को डैडी ने पिक कर लिया था, सो हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं और आज का दिन काफी ज्यादा बिजी था। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि डिनर में आज टाको मिलने वाला है और हम लोग बहुत थक गए थे, अभी घर पे आए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में टाकोस खाएंगे क्योंकि बच्चों को आज टाकोस खाने का मन है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। एंड व्हाट वी ऑलवेज से गाइज, always make beautiful memories. Bye. And if you're new to the channel, just subscribe. Yeah, very good. So Prisha said it. और आदि अपना होमवर्क कर रहा है, बच्चों के डैडी अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहे, पर बैकग्राउंड में आवाज दे दो। बाय बाय। Bye guys. Have a nice day. Yeah, there we go.